प्यारे बच्चों कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों की आरबीएसई क्लास थर्ड के इंग्लिश के 13वीं पाठ जिसका नाम है विंड्स यानी कि हवाएं, इस पाठ की एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर The hot winds that blow during summer season, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर है द वर्ड लू इज यूज्ड फॉर द हॉट विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग समर सीजन। गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनके लिए लू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, डू यू लाइक द ब्रीज दैट ब्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में चलने वाली हवा को क्या आप पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर है यस, वी लाइक द ब्रीज दैट ब्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हाँ हम बारिश के मौसम में चलने वाली हवा को पसंद करते हैं। अगला है व्हाट चेंजेस डज द विंड ब्रिंग इन ए सीजन। हवा मौसम में क्या बदलाव लाती है। तो बच्चों इसका आंसर है विंड मेक द हॉट सीजन प्लीजेंट। हवा जो है वो मौसम को बहुत ही ज्यादा सुहाना बना देती है। हवा से जो मौसम है ना वो बहुत सुहाना बन जाता है। इट मेक्स द रेनी सीजन इंजॉयबल। इससे जो बारिश का मौसम है वो सुहाना आनंददायक बन जाता है। बट इट मेक्स द विंटर सीजन अनबियरेबल। किंतु जब ये हवा चलती है तो जो ठंड का मौसम है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से हवा मौसम में ये चेंज लाती है। तो चलो बच्चों लेट अस रीड दिस पोएम। चलो बच्चों अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इन्वायरमेंट वातावरण एज यू नो कंसिस्ट ऑफ अर्थ वाटर स्काई एयर एंड फायर। आपको पता है कि वातावरण में पृथ्वी जल आकाश हवा और अग्नि ये पांचों तत्व आवश्यक रूप से मौजूद होते हैं। द पोयम गिवन बिलो इज अबाउट द विंड। ये जो नीचे कविता है ये कविता हवा के बारे में। There is a wind that blows over summer days. तो ये कहता है कि गर्मियों के दिनों में जो हवा चलती है एंड द क्लाउड्स गो चेजिंग 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 चेज का मतलब होता है पीछा करना। गर्मियों के दिनों में जो हवा चलती है उसके पीछे पीछे बादल उड़ते हुए जाते हैं। There is a wind that blows over wintry days and the rain comes racing racing. यही हवा जब सर्दियों के दिनों में चलती है तो बारिश भागी भागी आती है। There is a wind that blows over midnight hours and the stars keep blinking blinking. जब हवा रात के वक्त चलती है जब आधी रात को हवा चलती है तो आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे होते हैं वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे आंखें झपझपा रही है। ये हवा जब आधी रात को चलती है तो तारे टिमटिमाते हैं। देयर इज ए विंड दैट ब्लोज ओवर मॉर्निंग फ्लावर्स एंड द ड्यू लाइज विंकिंग विंकिंग। और यही हवा जब सुबह के समय
फूलों पर बहती है, तो फूलों के ऊपर जो ओस पड़ी होती है ना, वो जल्दी जल्दी पलक झपकते ही गायब होने लगती है। देयर इज ए विंड दैट ब्लोज ओवर सिटी मिल्स एंड द स्मोक्स गो हरिंग आफ्टर। यही हवा जब कारखानों के ऊपर उड़ती है, तब वो धुएं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ठीक है ना बच्चों? देयर इज ए विंड दैट ब्लोज ओवर ग्रासी हिल्स एंड द चिल्ड्रन डांस टू इट्स लाफ्टर। जब यही हवा हरी भरी पहाड़ियों पर बहती है, चलती है, तो इसकी हंसी के साथ बच्चे नाचते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी चल रही है सर्दी, तो सर्दी के मौसम में हवा चलती है, वो तो आपको पता है ना कैसी चलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। देखो बच्चों, जितना आप अपने फ्रेंड्स का भला करोगे, उतना ही भगवान आपका भला करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।